everyone, guys, Anushree here and welcome to my channel or welcome back to my channel. So, आज मैं आ गई हूँ लेकर एक बहुत ही informative सब video regarding your skin care and hair care as well. So, उसमें मैं बताऊंगी आज के video में कि आपको कौन कौन से products use करने चाहिए, product आप कितने कितने gap में use कर सकते हैं, like अगर दिन में कितनी बार use करना है, हफ्ते में कितनी बार use करना है, महीने में कैसे use करना है. So, छोटे मोटे reasons और tips and tricks होते हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए और उसके according इसको करना चाहिए. तो ये हो गई एक बात. अभी दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. रादर इसको कोई भी ट्राई कर सकता है. मोर थिंग गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगी आज कि आप मतलब मैं जो भी फेवरेट मेरे प्रोडक्ट्स फेवरेट कह लीजिए या ये बोल लीजिए कि मैं करंटली उनको यूज कर रही हूँ तो अच्छे लगते हैं मुझे, तो वो भी मैं बताऊंगी. प्लस एक प्रोडक्ट है ऐसा, बिल्कुल ऐसा है कि मैं उसको आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगी. टॉप से स्टार्ट करते हैं हम लोग और सबसे पहले आता है हमारा हेयर. सो अब हेयर केयर हम कैसे करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है दैट इज ऑयलिंग. लगता है कि आप नेचुरल बेस्ड चीजों से अपने घर पे कोई DIY ऑयल बनाते हो और इसको यूज कर सकते हो. ऐसा हो सकता है कि आप कोई रेडीमेड ऑयल लाते हो, कोई आयुर्वेदिक ऑयल यूज कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर. जो आपको ऑयल सूट करता है आप वही ऑयल यूज करिए, लेकिन उसको यूज करके अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करिए और मसाज भी करिए. सो इसको हम हफ्ते में 2 बार करेंगे. हफ्ते में मिनिमम 2 बार हम ऑयलिंग करेंगे ही करेंगे अपने बालों को. एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम बालों को क्लेंस कर लेंगे. तो ऑब्वियसली 2 बार करना है. अब हमें करना क्या है कि हम रात को या हमने ऑयल लगा लिया अपने बालों में, सुबह उठ के हमने अपने बालों को वॉश कर लिया किसी भी माइल्ड शैम्पू से. टाइम नहीं है कि आप रात में ऑयलिंग करें और सुबह क्लेंजिंग करें, तो आप बस मैक्स टू मैक्स आधे घंटे के लिए लगाइए. कोई भी तेल जो आप लगाना चाहे उसको छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए और फिर वॉश कर लीजिए. प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो वो प्रोडक्ट क्या है. वो प्रोडक्ट एक शैम्पू है. मैं बताती हूँ कौन सा शैम्पू है. मैंने रिसेंटली खादी नेचुरल्स का ये लिया है, आमला एंड भृंगराज का. ये एक क्लेंजर है, आप देख पा रहे होंगे होपफुली. सो इस क्लेंजर को आप बिल्कुल मत लीजिएगा कभी भी किसी भी हालत में नहीं गाइस. एंड द रीजन बीइंग क्योंकि इसको लगाने के बाद आपके बाल एकदम ड्राई एंड रफ हो जाएंगे, मेरे बालों की तरह जैसे कि आप देख सकते हैं. वैसे ये पूरा ऑलमोस्ट फिल है, बस मैंने इसको 2 से 3 बार मैक्स टू मैक्स लगाया है. उसके बाद भी देखिए मेरे बाल कितने ज्यादा बेकार हो गए, जबकि मैंने अभी सिरम लगाया बालों में, उसके बाद ये हालत है. तो इसीलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी. मैंने 1-2 बार लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मेरे जो भी मेरे स्कैल्प टाइप है या जो भी मेरा हेयर टाइप है उस पर सूट नहीं कर रहा हो. बट मुझे और लोगों ने भी सेम चीज बताई, सेम कि उनके भी बाल ड्राई हो रहे हैं जबकि उन लोगों के बाल और मेरे बालों में फर्क है. तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको अच्छा शैम्पू चाहिए, नेचुरल कुछ चाहिए, तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस हैं जो कि इस रेट में भी आते हैं, इससे कम रेट में भी आपको इससे अच्छे अच्छे शैम्पूज मिल जाएंगे. कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, स्पेशली जो भी रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आप लगाते जा रहे हैं एक ही प्रोडक्ट को. मींस एक बार खत्म हो गया फिर आप सेकेंड टाइम आपको लगाना है तो आपने वही सेम चीज खरीद ली. आप बीच बीच में चेंज करते रहा करिएगा. ऑब्वियसली जो आपके स्किन को बैडली इफेक्ट ना करे वही यूज करना है. बट जो अच्छे बेनिफिट्स दे रहे हैं, ऐसे मार्केट में सिर्फ 1-2 चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो देखिए और चेंज करते रहिए ताकि आपके स्किन को, आपके हेयर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या जो भी है उसके अंदर उस चीज की हैबिट ना लग जाए और वो आप जब कुछ चेंज करें बाद में तो एडवर्सली इफेक्ट ना करें. अब बारी एक और चीज की आती है जो कि हम बालों में करते हैं, दैट इज हेयर स्पा. अब आप हेयर स्पा भी चाहे तो नेचुरली घर में नेचुरल तरीके से कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ला के खुद से कर सकते हैं, या सिमिलरली आप किसी पार्लर में जाके करवा सकते हैं. इसमें कोई इशू नहीं है कि आप कैसे क्या कर रहे हैं, बट करना जरूरी है. तो इसको भी आपको महीने में कम से कम 1 बार आई वुड से करना ही करना चाहिए, तभी आपको इसके रिजल्ट्स पता चलते हैं. तो अभी हाल फिलहाल में मैं एक मास्क लाई हूँ. मास्क इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द हेयर स्पा. और भी सारी चीजें होती हैं जो कि मैं अभी एक एक करके आपको बताऊंगी और उसके थ्रू और चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी. सो ये है लॉरियल पैरिस का एक मास्क. इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, आई होप आपको दिख रहा होगा, व्हाइट इन कलर. इसका फ्रेग्रेंस भी सही है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है. एंड मैं इतना टब ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ, आप देखिए यहाँ से पता चलेगा. मुझे ये बहुत बहुत काफी पसंद आया ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये मेरे बालों को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है. आगे भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो उसमें स्टेप्स में देखिए क्लेंजिंग तो आता ही है, ऑयलिंग भी आता है, मास्क का मैंने बता दिया.
अब नेक्स्ट है स्क्रबिंग. अब हमारा फेस को जितना स्क्रब करना जरूरी है उतना ही जरूरी है हमारे स्कैल्प को स्क्रब करना. तो उसके लिए आप चाहे DIY बनाइए मतलब स्क्रब अपने घर पे, जो भी आप चाहें किसी भी प्रोडक्ट्स को यूज. बट अदरवाइज अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के बारे में मुझे नॉलेज है, दैट इज वेरी गुड. अभी मेरे पास है नहीं वो, दैट इज एम कैफीन का एक स्क्रब आता है, स्कैल्प स्क्रब, वो बहुत अच्छा होता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं डेफिनेटली. तो आपको स्क्रब कितनी बार करना है, तो जैसे डेफिनेटली आपको जब स्पा आप करेंगे बालों का तब स्क्रब करना है, तो आई गेस डेफिनेटली 1 से 2 बार अपने बालों को आप स्क्रब कर सकते हैं पूरे महीने में, उससे ज्यादा नहीं. आई थिंक दैट वुड बी इनफ. सो मैंने, मुझे लगता है कि बालों के बारे में सब कुछ बता दिया है, A to Z जो भी था. एंड कुछ रह तो नहीं गया है? नो, आई डोंट थिंक सो, कुछ रह गया है. सो अब आते हैं नीचे फेस की तरफ. अब फेस के लिए क्या करना है, तो डेफिनेटली फेस पे सबसे पहले हम फेस वॉश की बात करेंगे. करेंटली आई एम यूजिंग वन फेस वॉश फ्रॉम गुड वाइब्स. इट्स इन दिस वेरियंट नोन एज एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लेंजिंग फेस वॉश. सो ये है कुछ ऐसा. एंड ये खत्म हो गया है तभी मैं आपको इसका रिव्यू भी दे रही हूँ. इतना सा बचा है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है. इनफैक्ट हमने देखा है कि हम कुछ भी चारकोल मास्क या कुछ भी चारकोल रिलेटेड यूज करते हैं अपने बॉडी पे, तो हमारे वो स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा इम्प्योरिटीज निकाल देता है एंड कुछ एक्सेस ऑयल्स भी निकाल देते हैं आपके फेस से या स्किन से. तो दैट इज नॉट एट ऑल वेरी गुड. जैसे कि एक प्रोडक्ट का नाम बताऊंगी, दैट इज द स्पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी या प्योर व्हाइट, वट एवर. इट्स एंटी पोल्यूशन प्लस प्योरिटी फेस वॉश. ये अच्छा है फेस वॉश, ये भी मैंने यूज किया हुआ है, इसमें भी थोड़ा बचा है, तो ये भी अच्छा है. बट अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप को ये डेफिनेटली यूज नहीं करना चाहिए, और समर में तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. बट वही मैं इस चीज की बात करूं, ये भी सेम चारकोल बेस्ड ही है, बट ये आपकी स्किन को उतना ड्राई नहीं करता है, प्लस इंप्योरिटीज को अच्छे से निकाल देता है. तो दिस इज अ मस्ट ट्राई फ्रॉम माय साइड. अब ये आ जाते हैं कि हमको फेस वॉश कितने टाइम यूज करना है. तो आई वुड से कि आपको फेस वॉश दिन में 2 बार यूज करना चाहिए, एक सुबह कर लीजिए और एक रात को कर लीजिए आफ्टर रिमूविंग योर मेकअप. ओके, एंड मेकअप रिमूव करना रोज बहुत एसेंशियल है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेकअप मैं बिना हटाए सो गई एंड फिर मेरे मुंह पे ऐसे एक्ने क्यों आ गए, पिंपल क्यों आ गए, ऐसा क्यों गया, वैसा क्यों. डेफिनेटली होगा अगर आप मेकअप रोज डेली बेसिस पे रिमूव नहीं करेंगे सोने से पहले. तो ये हो गया फेस वॉश का. अब जो सेकेंड चीज आती है, दैट इज स्क्रबिंग. तो स्क्रबिंग के लिए मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ, एंड दिस इज दिस मेरे फर्स्ट YouTube वीडियो का ये है कंटेंट. दिस इज दैट रोज हिप ग्लो स्किन, सॉरी ग्लो फेस स्क्रब. ये ऐसा दिखता है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. ये बहुत अच्छा है एंड मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में इसका अलग से रिव्यू किया, आप चाहे तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं. तो स्क्रब आपको डेली बेसिस पे बिल्कुल नहीं करना है. स्क्रब आपको हफ्ते में 2 बार करना है या मैक्स टू मैक्स 3 बार करना है, अगर बहुत ही जेंटल स्क्रब हुआ तो. जैसे कुछ आते हैं काफी जेंटल होते हैं स्किन के लिए, बॉडी शॉप्स के भी कुछ आते हैं डेली स्क्रब्स, लाइक ग्रीन टी का एक वेरिएंट है, तो वो सारे उसमें डेली लिखा होता है, बट स्टिल आई वॉन्ट यूज देम डेली. तो मैं कभी भी कितना भी जेंटल हो डेली स्क्रब तो नहीं करूंगी फेस को. बट या आप 2 से 3 बार या 4 बार उसको यूज कर सकते हैं आराम से. क्वांटिटी भी आपको हिसाब से लेनी है, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे फेस स्क्रब हो, हेयर स्क्रब हो, क्वांटिटी उतनी ही लेनी है, न ज्यादा न कम. कम लेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, ज्यादा लेंगे तो एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं. तो ये हो गया फेस के लिए स्क्रबिंग. अब आते हैं हम फेस क्लीनअप के लिए. बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग तो मैं फेशियल नहीं कराया आज तक, एंड मैं रिकमेंड भी नहीं करती हूँ ज्यादा कराने की जरूरत, मुझे तो आज तक नहीं लगी है कभी खुद में. तो मैं क्लीन अप करती रहती हूँ, भले मैं पार्लर जाके कराऊँ, जनरली खुद ही करती हूँ अभी तो ऐसा सिचुएशन है. तो क्लीन अप का क्या है, मैं जो नॉर्मली क्लीन अप करती हूँ तो वो मैं हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ. तो आप भी उसको हफ्ते में एक बार आराम से कर सकते हैं, भले वो DIY कुछ कर लें आप घर में, कुछ भी फ्रूट्स के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल है चीजों के साथ, या फिर कोई प्रोडक्ट्स यूज करके करें. अब जो क्या स्टेप्स होते हैं क्लीन अप के, पहले हमको क्लेंस करना रहता है, फिर स्क्रबिंग, देन उसके बाद हमको मास्क अप्लाई करना रहता है, सॉरी मसाजिंग इज ऑल्सो देन, मसाजिंग भी करना रहता है, मास्क अप्लाई करना रहता है, देन उसको मास्क को रिमूव करके हमें मॉइस्चराइज करना रहता है. तो ये एक और चीज बता देती हूँ मैं मॉइस्चराइजिंग के लिए.
आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करिए, कोई फेशियल ऑयल यूज करिए, कुछ भी यूज करिए, लेकिन आप जब भी अपने मुंह को धोते हैं अच्छे से फेस वॉश से तो जरूर मॉइस्चराइज करिए, वरना सारे नेचुरल ऑयल चले जाएंगे आपके फेस से। तो अभी करेंटली आई एम यूजिंग फेस के लिए, आई वुड से आई एम यूजिंग दिस वन, दिस मामा अर्थ एंटी पोल्यूशन फेस क्रीम। मीन्स इसके अलावा मैं एक और ऑयल यूज कर रही हूँ, फेशियल ऑयल, उसकी कहानी थोड़ी लंबी है, सो मैं दूसरे वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ, पूरी बॉडी की। सो बॉडी को भी हम ऑब्वियसली सोप से या बॉडी वॉश से हमेशा वॉश करते ही हैं, राइट? सो वो करना चाहिए डेली बेसिस पे। एंड उसके अलावा आई वुड से आपको स्क्रब भी करना चाहिए बॉडी को, भले आप नेचुरली कोई स्क्रब बनाए या बॉडी स्क्रब, बहुत सारे अवेलेबल हैं, एम कफिन के भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट हैं, अलग अलग रेडीमेड प्रोडक्ट्स भी, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। बट स्क्रब हमें डेली नहीं करना है, जैसे हमें वॉश करना है सोप से अपने बॉडी को डेली बेस पे, वैसे स्क्रब नहीं करना है। सो स्क्रब हम कैसे करेंगे? सो बेसिकली स्क्रब आप जो करेंगे वो करेंगे आप वीक में आप एक से दो बार वही कर सकते हैं, इससे ज्यादा बार नहीं करना है, ठीक है? और उसके बाद हम फेस को तो मॉइस्चराइज करने की बात कर लेते हैं, बट हम कभी ये सोचते हैं कि मैं बॉडी को भी एग्जैक्टली वैसे ही मॉइस्चराइज करना चाहिए। बट अक्सर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो पहले मैं भी करती थी डेफिनेटली, मैं अपने पूरे हैंड्स को एंड मैं पूरे लेग्स को अपने मॉइस्चराइज करती थी किसी भी लोशन से एंड एवरीथिंग, बट मैं बाकी पार्ट्स बॉडी का भूल जाती थी। तो ऐसा नहीं करने का, जब आप मॉइस्चराइज कर रहे हैं, जब आपने पूरे बॉडी में सोप लगाया तो मॉइस्चराइजर भी पूरे बॉडी में या लोशन भी पूरी बॉडी में लगाने का। बॉडी योगर्ट्स भी बहुत सारे आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। करेंटली आई एम यूजिंग दिस वन, दिस वैसलीन का दिस वेरियंट, एंड इट्स गुड, आई वुड से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ और है, ऑयल आपको यूज करना चाहे बॉडी ऑयल तो वो भी यूज करिए, बट मॉइस्चराइज पूरे बॉडी को करिए। अब ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम अपने हाथों की तरफ। अब ये हाथों का जो हम मैनिक्योर का एक वीडियो है वो अलग से बनाया है, वो जाके आप देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। बट उसके अलावा आई वुड से आपको अगर मैनिक्योर वगैरह करना है तो वो आप मंथ में एक बार जरूर रखिए मैनिक्योर करने का हाथों में, चाहे आप नेचुरली करिए, चाहे आप रेडीमेड प्रोडक्ट से करिए, चाहे पार्लर में जाके कराइए, योर चॉइस, आई लीव दैट अप टू यू। एंड फिर आते हैं हम मैनिक्योर के बाद पेडिक्योर। तो पेडिक्योर भी हमें मंथ में एक बार जरूर से जरूर करना चाहिए। एंड अगर घर में आप थोड़ी बहुत कम चीजों के साथ करना चाहें तो एक से ज्यादा बार कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत महसूस हो तो। तो ये हो गया ये। अब आपको क्या लग रहा है कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, डन हो गया? जी नहीं, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को भूल रहे हैं, तो दैट इज लिप्स। अब तो भी प्रॉपरली स्क्रब करना जरूरी होता है, और उसी तरह उसको कुछ एक लिप मास्क भी लगाना जरूरी होता है, फिर मॉइस्चराइज करना भी जरूरी होता है। नेवर यूज एनी हार्श पार्टिकल फॉर स्क्रबिंग योर लिप्स। मैंने आपको आज बताया कि आप एक्सटर्नली क्या चीजें कर सकते हैं अपने पूरे बॉडी केयर के लिए। अब एक्सटर्नली करने से चीजें सही नहीं होंगी, इंटरनली भी आपको चीजें करनी पड़ेंगी। आप इंटेक क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपको लाइक कर देना अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ये वीडियो, एंड शेयर कर दो सबके साथ, मेल फीमेल एनीबॉडी, डजंट मैटर, थोड़ा उनकी भी हेल्प हो जाएगी। प्लस अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से जा करके। सो अब मैं मिलती हूँ आप सब लोगों से अपने नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे गॉर्जियस।